हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हमारा मैकेनिकल चैनल नंबर वन में आपका स्वागत है। आज देखेंगे मेरे पास है ये TVS का XL 100। इसमें मिसिंग समस्या है, मिसिंग प्रॉब्लम है, ये पिकअप नहीं लेता है। इसमें देखेंगे ये लाइट जो है, यहाँ पे इग्निशन ऑन करने पे इसका ये जो बत्ती देखेंगे यहाँ पे लाइट, ये बिलिंग नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट ही जल रहा है। इसको अब स्टार्ट करने पर बंद होना चाहिए। स्टार्ट करिए था, इसमें देखेंगे इसको बंद होना चाहिए, बंद नहीं हो रहा है। इसमें कोई ना कोई वायरिंग का फॉल्ट है। अब इसका हम ब्लिंकिंग कोड चेक करेंगे, ब्लिंकिंग कोड में क्या बता रहा है, किस चीज़ का फॉल्ट बता रहा है, तो देखेंगे। अभी हम ब्लिंकिंग कोड इसको कैसे चेक करेंगे तो देखेंगे। इसको हमने पहले इसको ऑफ़ करना है। ऑफ़ करके हम इसका दोनों ब्रेक दबा के रखेंगे, सेल्फ भी दबा के रखेंगे एक साथ में, दोनों ब्रेक दबा देखेंगे। इसका दोनों ब्रेक मैंने दबा दिया है, उसके बाद सेल्फ का ये स्विच जो है इसको भी दबा के रखेंगे, दोनों ब्रेक का स्विच दबा कर, दोनों ब्रेक को दबा के रखेंगे और छोड़ेंगे नहीं। इसको चाबी चालू करेंगे, फिर भी दबा के रखेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, देखेंगे। अभी यहाँ पे देखेंगे ये ब्लिंकिंग कोड है, कम से कम एक मिनट के बाद से ये ब्लिंकिंग कोड दिखाएगा। देखेंगे यहाँ पे अब ब्लिंकिंग कोड बताएगा, बंद हो चुका है लाइट। कौन बोल आया रे, देखेंगे ये ब्लिंकिंग कोड बता रहा है इसका, देखेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो ब्लिंकिंग कोड दिखा रहा है, इस ब्लिंकिंग कोड में इसका कोड बता रहा है हमको, ये कोड के हिसाब से बता रहा है ये जी, इसका सर्किट कहीं पे वायरिंग लूज है, लूज कनेक्शन है, इसके लिए ऐसे कोड बता रहा है। ये देखेंगे अभी समस्या क्या है, आपको मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखेंगे जो जैसे हम रेस इसका पूरा रेस एक्सीलेटर ऐंठते हैं ऐसे देखेंगे तो ऐसे बंद हो जाता है। तो अब इसका मैं वायरिंग चेक करूँगा। यहाँ पे देखेंगे ब्लिंकिंग कोड भी बता रहा है, इससे आप पता लगा सकते हैं किस चीज़ का है। तो देखेंगे अभी मैं इसका वायरिंग खोलूँगा, वायरिंग पे कहाँ समस्या है इसको देखेंगे। तो देखेंगे तो पहले टैंकी का वायर खोलेंगे, क्योंकि यहाँ के यहाँ से इसका वायरिंग बहुत ज़्यादा टूटता है, यहाँ से और ये जो यहाँ पे पैर रखने वाला है इसके नीचे भी वायरिंग बहुत टूटता है। तो हम देखेंगे इसका वायरिंग अभी खोलेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सारा इसका वायरिंग खोल लिया है, इसका अब मैं वायरिंग इसका चेक कर रहा हूँ। देखेंगे इधर वायरिंग भी इसका ठीक ठाक दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। अब यहाँ पे वायरिंग इसका देखेंगे, देखूँगा मैं, यहाँ का भी वायरिंग ठीक ठाक है, यहाँ वायरिंग में भी कुछ नहीं हुआ है। तो देखेंगे अब इसके आगे हम क्या करेंगे। उधर का जो इसका ये कॉयल है, ये जो देखेंगे ये वाला बॉक्स जैसा ये कॉयल, इसका सारा सर्किट को हम इसको एक बार चाबी ऑन करेंगे, देखेंगे। चाबी को मैंने ऑन किया, उसके बाद इसका जो सारा सर्किट है इसको हम ढीला करेंगे, सारा इसको हम निकालेंगे, देखेंगे। यहाँ को इसको भी मैंने निकाल दिया है, इसको भी निकाल दिया है, यहाँ पे भी निकाल दिया है, और
इसको भी निकाल दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चाबी ऑन पे ही सारा को लगाएंगे, एक बार सबको लगाऊंगा। देखेंगे इधर मैंने सारा को लगा दिया है, यहाँ पे इसको भी लगा दिया है मैंने, यहाँ पे भी वायरिंग सारा मैंने चेक कर लिया था, वायरिंग में यहाँ पे इसमें कोई भी कमी नहीं है। इसका जो ब्लिंकिंग कोड था वो बहुत ही एक्स्ट्रा बता रहा था, वो कोई इसका कोड किसी चीज़ का समस्या नहीं बता रहा था, वो बहुत ज़्यादा बता रहा था, वो लगातार एक से भी ज़्यादा ब्लिंक कर रहा था। तो देखेंगे इसको मैंने इतना कर दिया है, उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे देखेंगे स्टार्ट कर, देखेंगे यहाँ पे जो ये डायरेक्ट हुआ है, मैं डायरेक्ट पे किया हूँ इसलिए समस्या दिखा दिया। अभी इसको एक बार बंद करूँगा, उसके बाद चालू करूँगा स्टार्ट कर, ठीक है। अभी देखेंगे मैंने स्टार्ट कर दिया इसको, अभी देखेंगे मैं पूरा इसका रेस दे रहा हूँ फिर भी बंद नहीं हो रहा है। अब इसको एक बार और बंद करूँगा मैं, इसके बाद फिर एक बार स्टार्ट करूँगा इसको। अब मैं इसका टैंक लगाऊंगा, उसके बाद देखेंगे ये ब्लिंक अपने आप ही बंद हो जाएगा, ये थोड़ी देर कुछ देर के बाद अपने आप बंद हो जाएगा। देखेंगे फ्रेंड्स अब मैंने टैंकी भी लगा दिया, इसका पेट्रोल कम था, अब इसका मैं इग्निशन ऑन करूँगा। तो देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे इसका लाइट भी बंद हो गया, यहाँ पे जो इसका IML लाइट जो होता है इसका ब्लिंकिंग कोड वाला। तो देखेंगे अभी, अब मैं इसको स्टार्ट करूँगा, देखेंगे इधर स्टार्ट भी हुआ, उसके बाद ये लाइट झिपिक झिपिक करके बंद हो गया। अभी देखेंगे अभी पूरा मैं एक्सेलेरेटर दूंगा इसका, फिर भी ये बंद नहीं हो रहा है अभी। देखेंगे अभी ये पूरा सक्सेसफुल हो गया स्कूटी। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।